अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबह सुबह बारिश हो रही है भाई फ्रैंकफर्ट में। ठीक के आ गए हम लोग, शर्ट वर्ट सब गीली हो चुकी है। अब आगे जा रहे हैं, फेयर का तीसरा दिन है, बाकी आज मसरूफ दिन बहुत गुजरने वाले इंशाल्लाह। स्टेशन करो हम जाते हुए अपने मेट्रो पकड़ने के लिए लेट हो गए हैं आज। एग्जीबिशन स्टॉल, आज भाई थर्ड डे एग्जीबिशन का, आ गए पास स्कैनिंग काउंटर पे, इंशाल्लाह अंदर जाते हुए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीबिशन हॉल पहुंच गए, आज थर्ड डे, टाइम पे आ गए 9:00। बस अभी एग्जीबिशन स्टार्ट हो रही है, अनाउंसमेंट होने वाली है, ठीक है। बाकी आज की सारी शूटिंग होगी फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह। तो ये अभी बैठे हैं, आज कोई कस्टमर नहीं आया अभी तक, वेटिंग हो रही है, देखते हैं कोई ना कोई कस्टमर शायद टकरा जाए। आज से वो सिर्फ परागत चल रही है बिल्कुल फ्री। सही है भाई, सही है, काम करें आप। इज माई फ्रेंड मिस्टर सलीम, हाउ आर यू? गुड, आई वाज गुड बैक हियर बिफोर यू केम। व्हाई? पूरा पूरा बैंड लगाए हुए हैं एग्जीबिशन में भी, बिस्मिल्लाह वालों को किसी का स्टैंड है, स्टैंड देंगे इतना बड़ा है, और क्या खूबसूरत है माशाल्लाह भाई। ये भी कोई पाकिस्तानी है, ये चाइनीज है भाई, सबके स्टैंड एक से बढ़ के आएगी भाई। ये इंडियन प्रेम टेक्सटाइल, ये अरशद ग्रुप वाले, सब एक से बढ़ के एक स्टैंड लगाते हैं भाई, कॉस्टली बहुत होते हैं ये। चले फ्रेंड्स, मैं आपको विजिट कराता हूँ एग्जीबिशन का। थोड़ा सा आज थोड़ा सा मैं रिलैक्स था, मैंने लगा विजिट कराऊँ। मैं अब जा रहा हूँ दूसरे हॉल में, है ना, आपको स्टैंड सिखाता हूँ अपने हॉल्स के निकल के, ठीक है। मैं वो मिस कर रहा हूँ, फिर आपको मैं चेक कराता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ अपर साइड पर हॉल 10 की, और दूसरे जो कंपनीज के स्टैंड दिखाता हूँ, बड़े खूबसूरत खूबसूरत स्टैंड होंगे वो दिखाता हूँ आपको, क्योंकि एग्जीबिशन ख़त्म पे अपने एंडिंग स्टेज में दाखिल हो रही है। कल तो लास्ट डे है, कल फ्राइडे की नमाज से पहले पहले जो है वो एग्जीबिशन तकरीबन सिमट जाती है। तो बस आज लास्ट डे समझ लें, क्योंकि कल बायर वगैरह को जाते नहीं है, पब्लिक के लिए कल एग्जीबिशन ऑन कर दी जाती है ना, स्टैंडिंग एंट्री जो है पब्लिक को दे दी जाती है लास्ट डे में, तो बायर्स तो आएंगे नहीं कल से। पब्लिक को जिसको सेल आउट करना होता है अपना सामान वगैरह, वो सेल आउट करता है, जिसको लेके जाना होता है वापसी अपना सैंपल वगैरह वापसी ले जाता है। चले देखते हैं आगे, मैं एग्जीबिशन हॉल में आ गई हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैं आया हूँ दूसरे हॉल में, आप दिखाता हूँ। यहाँ पे दूसरे स्टैंड ये 10.3 है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे स्टैंड होते हैं कंपनीज़ के। यहाँ पे एक स्टैंड में ढूंढने आया हूँ, जो मैं ढूंढने आया हूँ खासतौर पर, वो है असाबी टेक्सटाइल का। वो स्टैंड मुझे देखना है कहाँ पे, ये इंटरनेशनल टेक्सटाइल का स्टैंड, इंडिया का स्टैंड है, सब बांग्लादेश के भी मिक्स है, इंडियन कंपनीज हैं सारी, गौरव इंटरनेशनल, दक्षिण इंटरनेशनल, वाई ए फैब्रिक, सब इंडिया से। ये एक हमारे पुराने क्लाइंट हैं, उनका स्टैंड है जिनसे हम काम करते हैं, जीनियस टेक्सटाइल नेटवर्क का। ये TDAP का स्टैंड थे ना सारे, यहाँ पे ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का यहाँ से शुरू हो गया। ये स्टैंड्स ये देते हैं एक्सपोर्टर्स को 3 ईयर्स के टर्म्स पे। ये पूरा एरिया TDAP का होता है, फिर ये TDAP से हमें स्टॉल लेना पड़ता है इसके लिए। ये देखिए इस पर लो ही बना हुआ है, इसमें सारी पाकिस्तानी कंपनी होती हैं। ये देखिए एपेक्स पे विंग फिनिशिंग मिल्स स्टैंड देखें, बांग्लादेश की है,
ये भी इंडियन एक्सपोर्ट्स वालों का एरिया, उसमें इंडियन स्टैंड आ रही है। जैसा चाइना का भी होता है, वो चाइना का इलाका है, पूरा एरिया चाइना का है। ये हांगकांग का है, अभी चाइना वाले सब यहाँ पे अपने स्टैंड लगाए हुए होंगे। सिटी डेप देता है जिधर चाइना में भी, और इनकी कंपनी है वो, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट की ना, एक्सपोर्टर्स के लिए, तो वो चाइना एक्सपोर्टर्स को स्टैंड देते हैं। सब चाइनीज यहाँ पे मिलेंगे आपको, टोटली चाइनीज, सारे चाइनीज यहाँ पे हैं, चाइनीज एक्सपोर्टर पूरे सेक्शन बनाए हुए होते हैं। बहुत चलना पड़ता है भाई यहाँ पे, इतने सारे हॉल्स हैं ना, हॉल 1 to 14 में एग्जीबिशन हो रही है। मैं तो सिर्फ एक ही हॉल में घूम रहा हूँ 10 में, जिसके 4 फ्लोर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लोर होते हैं, मैं तो 4 फ्लोर से ही घूम रहा हूँ, बाकी हॉल में जाएगी। अभी मैं चाइनीज मार्केट में आ गया, एक तरफ चाइनीज एक तरफ इंडिया, जो स्टैंड मैं ढूंढ रहा हूँ मिल नहीं रहा मुझे, चले देखते हैं क्या पता मिल जाए, क्या पता कहीं और होगा। ठीक है, ये वेटिंग एरिया। ढूंढ ढूंढ के थक गया, मुझे स्टैंड ही नहीं मिल रहा जिससे मिलना है मुझे, अपने जिस फ्रेंड से वो मिल ही नहीं रहा है। ये कैसल इंडस्ट्री सा मिली है, ये ग्रेनाइट टेक्सटाइल, गदून टेक्सटाइल, बाकी कहाँ है भाई। ये माघोरी टेक्सटाइल आ गई, शहाब टेक्सटाइल आ गई, लेकिन इससे हमें जिस स्टैंड को हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रही। समझ से बाहर कहाँ चला गया, बिलाल टेक्स भी मिल गया, अरे भाई हम तो थक गए एग्जीबिशन हॉल्स घूम घूम के, लेकिन इस स्टैंड के हमें सर्च थी वो मिला ही नहीं है। तो हम जा रहे हैं दोबारा से अपने स्टैंड की तरफ, क्या पता वो कस्टमर वगैरह आ गया, देखते हैं चल के क्या है। बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, क्या पता फिर से कोई हमारे स्टैंड पे भी आ जाए। आज सुबह से ही तकरीबन सुबह 7 बजे से मुसलसल बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ फ्रैंकफर्ट में। देखिए अपने हॉल के अपॉइंटमेंट पे आ रहे हैं, घूमते फिरते टहलते हुए दोबारा हॉल पे चढ़ चुका है। ठीक है, अब अपने स्टैंड पर जा रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह भाई इबादत करे भाई हम लोग भी, क्योंकि चाइना में ही दोबारा से भी कोरोना स्टार्ट हो चुका है। चलें भारत, यहाँ तो पूरी दुनिया के लोग आए हुए, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। भाई लंच चल रहा है, अंडा को डाला, अंडा आलू डाला, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो तुम्हें? कीमा, अंडा कीमा, अंडा कीमा, मुर्गी का बना कर रहा है। मैंने बोला हम जा रहे हैं, तो बोला परसों तुम दोनों नहीं आए थे, आपने मुझे कॉल करी थी और ये कहा था कि अदील अगर कोई कहा हम लोग नहीं आ रहे यार, देर हो गई, 2 बजे है। तुमने कहा था सरार भाई, अदील भाई ने मना किया, आपने कहा था ना भाई आप अपनी मर्जी से नहीं थे, कॉल आपने करी थी, ये तो आ रहे थे। शुरू में इन्होंने बोल दिया कि अदील ने मना कर दिया, मैंने इनको मना ही नहीं करा, आपने मुझे मना कराया था तो भाई जान, आपने मुझे मना करा था कि मैं नहीं आ रहा। अच्छा, बोले छोड़ के, अच्छा आपने मुझे कॉल नहीं करी थी, की थी और क्या बोला था, अच्छा, क्या बोला था, मैं नहीं आ रहा, अगर हम मैं और सरार भाई नहीं आ रहे, वो यूं बोला था क्योंकि ये पहले मना कर चुके थे कि दिल भाई बोल के नहीं आना। अबे यार ये बात हुई थी जो परफेक्ट, मैंने कब बोला, मैंने सुबह बोला ही नहीं कि नहीं आना, मेरा जहन इन्होंने बना लिया था कि नहीं जाएंगे। ये देख तुमने इसका जहन बनाया था, यही बात हुई ना। Vabbè, e poi c'è questa convenzione di Franella. 1857. Questa convenzione di Franella. Cioè, voglio tenere per il proteine. Se siamo discorsi. Eh? Giù, qua è il. My advice, you are not going to buy 100 GSM. Because if you go to sell in Italian market 100 GSM, so nobody can give you the price.
because all show is Nepal, 90 GSM bedset running. So how can you sell the 100 GSM bedset in your same market? भाई आज की भी एग्जीबिशन का टाइम ख़त्म हो चुका है, थर्ड डे क्लोज, अब फोर्थ डे रह गया है, कल फ्राइडे भी है और हाफ डे भी है। अभी एग्जीबिशन का टाइम क्लोज हो गया है, अब सब अपने अपने अपार्टमेंट या होटल की तरफ जाते हुए, क्लोजिंग टाइम ऑफ थर्ड डे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही मुश्किलों के साथ और जो है रश में धक्कम पेल खाते हुए हम जो है फिर इत्तेफाक से बिल आखिर पहुँच ही गए भाई फ्रैंकफर्ट मेन तक, दोबारा मैं से हॉल से मेट्रो ट्रेन करते हुए। अब जो हम जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ, अपार्टमेंट जाके फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होंगे क्योंकि शाम का 7 बज चुका है। अब देखते हैं कि क्या पकाया है भाई हमारे दोस्तों ने खाने में। खाना तो वही लोग बनाते रहते हैं, हम उसे खाते रहते हैं और बातें भी वही लोग बनाते रहते हैं, हमसे सुनते रहते हैं कि सारा दिन तो हम मैसे में गुजार देते हैं। अब बाकी पता नहीं वो लोग होटल में रह के इधर उधर मॉल्स में घूम फिर के शॉपिंग करते, तो उधर पर क्या क्या करते रहते हैं पता ही नहीं है। इधर तो हम ही रहते हैं खाली सुबह से शाम तक। जा रहे हैं अपार्टमेंट, देखते हैं उन लोगों ने क्या बनाया है और क्या क्या फिल्में करी हैं पूरे दिन में, पता करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह वो सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। लेकिन ये है कि बहुत सर्दी चल रही है भाई आजकल, यहाँ पे 7-8 टेम्परेचर है यहाँ पे और उसके साथ साथ तेज़ हवाएं हैं, बारिश भी होती रहती है हर वक्त। अभी भी जैसे कि आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि बारिश अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे रुकी है। अब बारिश तो हर वक्त होती रहती है, अब क्या करें यहाँ पे। लेकिन ये काम यहाँ नहीं रुकता, जैसे कि हमारे कंट्री में जो है कराची में और दूसरे शहरों में होता है कि बारिश होती है तो सब कुछ बंद हो जाता है, रोडों पर पानी भर जाता है, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो है भाई चाहे बारिश हो चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस देखते रहते हैं तो वीडियोस को देख रहे हैं तो भाई लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। ठीक है भाई, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। बाकी आगे की अपडेट्स आप लोगों को देते हैं इंशाल्लाह। ये यहाँ पे फ्रैंकफर्ट मेन पे जो है आवाज़ आ रही है ज़्यादा तेज़ चल रही है भाई, तेज़ चल रही है भाई, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, बहुत तेज़ ठंड बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह खैर करे, अभी लग रहा है थोड़ी देर में बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि जो है बादल छाए हुए बिल्कुल भरपूर तरीके से। बहरहाल मैं आप लोग ये बता रहा था कि ये फ्रैंकफर्ट मेन स्टेशन के बिल्कुल जस्ट अपोजिट, ये फ्रैंकफर्ट मेन स्टेशन है और उसके जस्ट अपोजिट जो है ये देखें एक यूनिवर्सिटी है ये ना, यहाँ पर सुबह 8 बजे से एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जो है वो शाम 5 बजे तक चलती रहती है, स्टूडेंट्स आते रहते हैं जाते रहते हैं। और उसके जस्ट अपोजिट ये पुलिस स्टेशन है, ये देखें ये इसकी पूरी गैलरी है, यहाँ से वॉकिंग करते हुए लोग जाते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डायरेक्शन बता रहे हैं, ये देखें पुलेजिया लिखा हुआ है जर्मन में, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे इनका शायद यूनिवर्सिटी का हॉल है, क्लासेस वगैरह भी हैं सब यहाँ पे। एक बार फिर होटल पहुँच चुके हैं भाई, ये गेट खोल दिया इन्होंने। रियान भाई तबीयत कैसी तुम्हारी, रियान भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है भाई, तो मैं क्यों नहीं लिया कर रहे व्लॉग में, क्यों कैन में तबीयत कैसी है भाई आपकी, एजोमैक्स खाई आपने वो, लेकिन आपने 3 दिन खानी है। ठीक है, मुझे डांट दिया, आंटी बोल दिया उन्होंने, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ ये वो, बोला अगर तुम आंटी बोल रहे हो तो बच्चे जो चाय नहीं पीते, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी वो। अच्छा। फिर मतलब अच्छा मेरी सिस्टर है तो चाय पिला दें, बोले नहीं सिस्टर भी नहीं तुम्हारी, मैं आंटी हूँ तुम्हारी, और मैं आंटी होने के नाते बोल रही हूँ तुम चाय नहीं पियो, तुम छोटे हो अभी। अबे भाई पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बात कर ली, लेकिन चाय उन्होंने पिला दी थी फिर। अच्छा, बड़ी फंटा खा दी और चाय वैसे बड़ी टाइट पिलाई रियान भाई, दो दफा पिया सुबह भी और दोपहर में भी। मेरे बारे में पूछ रही थी, सही बात है? नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मजाक कर रहे हैं। आज इनकी मैंने मार्केटिंग भी करी है भाई फ्री में। हाँ पूछो इनसे, उन्होंने बताया नहीं आपको भाई? अबे भाई आपने बताया नहीं इनको मैंने आपकी मार्केटिंग जो करी है। जब तुम ये देखो काम की बात भूल गए, जब तुम अपने बाहर के लगे हुए थे ना, इस बंदे उसने मुझसे और इनाज को बुला के पूछा था चचा कहाँ है आपके। अच्छा वो बीमार है तो तब हुई थी बात, हम झूठ क्यों बोलेंगे।